हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज दैट अ कन्वर्जिंग लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर द पावर ऑफ दिस लेंस इज नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस ऑप्शन ए प्लस 0.2 पॉइंट टू डाइप्टर ऑप्शन बी माइनस टू पॉइंट जीरो डाइप्टर ऑप्शन सी प्लस टू पॉइंट जीरो डा एंड ऑप्शन डी माइनस जीरो पॉइंट टू डाऑप्टर तो आइए बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन में हमसे यह कहा गया है कि हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो हमें यहाँ पर उसकी पावर पावर बतानी है तो इस क्वेश्चन में जो बच्चों की यूज करेंगे पावर ऑफ लेंस तो जैसा कि बच्चों हम देख सकते हैं हमें फोकल लेंथ गिवन है यहाँ पर फोकल लेंथ क्या है फोकल लेंथ या फिर जिसे हम डिनोट करते हैं एफ से वो क्या हमें गिवन है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर अगर हम इसे मीटर में करें बच्चों तो यह आएगी हमारे पास 0.5 मीटर 0.5 मीटर और हम जानते हैं कि पावर का हमारे पास फार्मूला होता है पावर को हम डिनोट करेंगे यहाँ पर पी से तो पावर का हमारे पास फार्मूला होता है वन बाई एफ़ मीन्स वन बाई फोकल लेंथ फोकल लेंथ को यहाँ पर हम एफ से डिनोट कर रहे हैं जैसा कि हमने अभी देखा था तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पावर जो होगी हमारी वो वन बाई ज़ीरो पॉइंट फाइव के इक्वल होगी और अगर यहाँ से हम पॉइंट हटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा फाइव टेन बाई फाइव तो हमारी पावर क्या आ जाएगी यहाँ से प्लस टू डायोप्टर पावर आ गई है हमारे यहाँ पर बच्चों प्लस टू डायोप्टर और बच्चों यहाँ पावर प्लस आई है हमारी तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा लेंस है वो कैसा लेंस है जैसा कि हमसे कहा भी गया है क्वेश्चन में कन्वर्जिंग लेंस है ये हम कह सकते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों इस क्वेश्चन का वो होगा हमारा ऑप्शन सी पावर जो होगी हमारी वो होगी प्लस टू डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी प्लस टू डायोप्टर आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक